हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ज्योति जैन का सुबह का जज ने। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का वेलकम है। ये मैं बना रही हूँ आज मोटी वाली मिर्ची मसाले की, अच्छी लग रही है ना देखने में। और फ्रेंड्स, ये बन रही है चाय, और इसके साथ क्या बनेगा। सर्दी का मौसम आ चुका है तो सर्दी की ही चीज़ बनेगी। जैसे ये मोटी मिर्ची तो बना ही रही, और इसके साथ आपको पता है ना सर्दियों में क्या हमारे सबसे ज़्यादा बनता है, दिखाई देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं मेथी के पराठे। आ गया ना मुंह में पानी। आज हमारे यहाँ मेथी के पराठे और ये मसाले वाली मिर्ची बनी है, और इसके साथ चाय। फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, और खाते 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 बताएंगे आपको कैसा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा आज का नाश्ता है, और नाश्ते में सबका ही वेलकम है। कैसा बना है जी? फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? ज्योति चैन का जज ने। चलिए फ्रेंड्स, वो बालों में मेहंदी लगा रखी है, टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, और ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था, बस थोड़ा सा बात नहीं कर पाई थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, बल्कि बारिश हुई है, कल रात को भी बहुत बारिश हुई है लगातार, और अभी तो फिलहाल रुकी पड़ी है बारिश, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब वैसे भी अगले महीने से ठंड आ जाएगी। तो बस फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह मेथी के पराठे और मिर्च छौंकी थी, और अब शाम को देखूंगी क्या बनाऊंगी। पालक निकाल के रखा हुआ है मैंने, पालक आलू बना लूंगी, और उसके संग अपने लिए 2 पराठे बना लूंगी, क्योंकि आज भी मेरा बर्थडे है मंडे का, लेकिन आज मैं खाना खा सकती हूँ, कल नहीं खाया था मैंने। बस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब बर्थ की वजह से थक गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेहंदी लगाई हुई हूँ, इसलिए मेरे को फिर मेहंदी के बाद मेथी के पराठे हों। अब ये जो सर्दी का काम होता है ना, जैसे मेथी के, पालक के, आपको पता है इसमें टाइम भी लगता है, और ज़्यादा करके आता है फ्रेंड्स, इनको सेक के नहीं रख सकती, गर्म ही गर्म का टेस्ट होता है। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि चलो ये लोग गर्म गर्म खा लें, तो फिलहाल लंच करके ये भी जा चुके हैं, बस बड़े वाले का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि 2 बज गए हैं, 2-2.5 बजे के आसपास ही आता है, मैं उसके बाद ही मैं सिर धोऊंगी अपना, तो बस उसका इंतज़ार कर रही हूँ मैं, और बस इतना ही करती हूँ मैं बात आपसे। चलिए फ्रेंड्स, सिर मैंने धो लिया है, मेहंदी मेरी लग चुकी थी, और सिर धोए हुए भी मुझे बहुत देर हो चुकी है। दरअसल कोई आ गया था तो बस उससे बातें करने लग गई थी, तो टाइम हो रहा है 6:15 बज रहे हैं, और मैंने अपना बर्थ खोल लिया। फ्रेंड, बर्थ में मैंने आलू पालक की सब्जी और छिलके वाली दाल बनाई थी, जो मैंने खा ली, मुझे बहुत अच्छी पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस अब पूजा का टाइम है, नहा दो मैं ली हूँ, बस खाली अब पूजा करनी है मुझे। कोई घर पे नहीं है, सब जने अपने अपने काम से गए हुए हैं, सिर्फ मैं हूँ और आप हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दियावाती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और आपसे मैंने कल एक सवाल किया था, दाल के बारे में बताया था आपने मुझे, किसी ने मुझे कमेंट्स करके नहीं बताया कि आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा। बताया, एक ने बताया, सब ने नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और तो मुझे कमेंट्स करते रहते हो आप लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी सब आप बताते रहते हो, अच्छा लगता है मुझे, अब बहुत अच्छा लगता है जब से आप मुझे कमेंट्स देने लगे हो। देखिए मेरे फ्रेंड्स, बाल भी कम टूट रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया था आप लोगों को। हरी सब्जी, आजकल तो हरी सब्जी आने लगी है फ्रेंड, जितना हरी सब्जी का हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, दिया बात ही कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। टाइम हो रहा है फिलहाल 9:45 बज रहे हैं, और मेरा किचन का सारा काम हो चुका है, फिलहाल दूध आ गया है, उसे उबालना है बस खाली मुझे जाके। तो आज मेहंदी लगाई थी तो हाथ थोड़े से लाल हो गए हैं, तो
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर दीजिए, जैसे कि आप कर ही रहे हैं। और कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सबको फ्रेंड्स मेरी बाय बाय, गुड नाइट।